Hello, second standard. This is your EVS lecture, and today we are going to see lesson number 1.2, our senses. तो senses का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंद्रिय होते हैं उसे senses बोलते हैं. We have 5 senses. तो हमें 5 senses होते हैं. There are sight, hearing, smell, taste and touch. तो ये senses कौन से? Sight मतलब देखना. हम अपने आँखों से देखते हैं. तो देखना मतलब एक सेंस करना होता है. नेक्स्ट है हियरिंग. कानों से हम सुनते हैं. तो सुनना एक क्या है? सेंस है. नेक्स्ट है स्मेल. हम किसी भी चीज़ का स्मेल लेते हैं, मतलब गंध लेते हैं, जैसे कि बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मेल. नेक्स्ट है टेस्ट. टेस्ट मतलब क्या? स्वाद. अगर हम कुछ खाते हैं तो उसकी टेस्ट कैसी है? खट्टी है, मीठी है, ये हमें किससे पता चलता है? उसे टेस्ट करने से. तो ये भी क्या है? एक सेंस है. और लास्ट वन है टच. अगर हमें कोई भी टच करता है तो हमें फील होता है कि किसने हमें छुआ है, तो ये क्या है? एक सेंस है. तो इस तरह हमारे ये 5 सेंस है. अवर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स. तो ये सेंस हम सेंस ऑर्गन से करते हैं. तो वो सेंस ऑर्गन्स कौन से है? हमारे जो आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, इससे हम सेंस करते हैं. आईज से हम क्या करते? देखते. ईयर से हम सुनते. नोज से हम स्मेल लेते. टंग से हम टेस्ट करते. और स्किन से हमें पता चलता है कोई अगर हमें टच करता है तो. तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? आईज. वी सी विथ अवर आईज, टेक गुड केयर ऑफ देम. तो हमारे आँखों के वजह से हम देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, खेल सकते हैं, तो हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए. डू नॉट रीड इन डीम लाइट. जब भी लाइट बहुत कम होती है, डीम लाइट होती है, तब हमें कोई भी चीज़ पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी है. वाइल वॉचिंग टेलीविजन डू नॉट सिट टू क्लोजर टू द टीवी. जब भी हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी के पास में नहीं बैठना है, दूर से हमें टीवी देखने है. अगर हम पास से देखेंगे तो हमारे आंखें कमज़ोर होती है. गुड आई साइन रिक्वायर विटामिन ए, ईट येल्लो एंड ऑरेंज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. अगर हमारी जो दृष्टि है, हमारे आंखें अच्छी हेल्दी रहनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है? विटामिन ए ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ऑरेंज और येल्लो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उसे खाना है. तो फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, बनाना, ये फ्रूट हमें खाने हैं, कैरेट, ये सब हमें फ्रूट्स और सब्जियां खानी है. अवॉइड रीडिंग इन अ मूवी व्हीकल. जब भी हम गाड़ी में वगैरह बैठते तब हमें रीडिंग नहीं करनी है. रीड विद द लाइट कमिंग फ्रॉम ओवर योर शोल्डर. जब भी हम रीड करें तो जो लाइट होती है वो हमारे पीछे होनी चाहिए, ताकि हम डायरेक्टली रीड कर सके. अगर सामने लाइट होती है तो हमारे आँखों में तकलीफ होती है, इसलिए लाइट हमेशा हमारे शोल्डर के पीछे होनी चाहिए. सिट अपराइट व्हेन यू रीड. पढ़ते समय हमेशा हमें सीधा बैठना है. अवॉइड प्लेइंग विद द शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, दे मे हर्ट योर आईज. और हमें पेंसिल या फिर पेन, इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये आँखों में लगती है तो हमें नुकसान हो जाता है. हमारे जो आँखें होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उसे कुछ भी लगता है तो तुरंत उसमें से दर्द होता है और हमारे आँखों का नुकसान होता है. तो कभी भी हमें शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से खेलना नहीं चाहिए. अलवेज वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर. और हमेशा हमें हमारी जो आँखें है वो पानी से धोना है, साफ पानी से क्लीन करना है, ताकि हमारे आईज हमेशा हेल्दी रहे और हम अच्छे से रीड कर सके, खेल सके. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? ईयर. तो ईयर किस तरह हमें हेल्प करते हैं देखते. वी हियर विथ अवर ईयर्स. हमें सुनाई कहाँ से देता है? हमारे ईयर से. ये ईयर है. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी वंडरफुल साउंड, लिसन डू यू हियर देम.
तो हमारे इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे साउंड होते हैं, तो वो सब हमें किसके कारण सुनाई देते हैं? हमारे ईयर के कारण। देखो, बीट ऑफ द ड्रम, अगर कोई ड्रम बजाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है? हमारे जो कान होते हैं उनमें इसका आवाज़ आता है, इससे हमें पता चलता है ड्रम का साउंड। साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक, जब भी आप उठने के लिए, स्कूल जाने के लिए अलार्म लगाते, तो उसका साउंड किसे पता चलता है? हमारे ईयर को। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, ट्री पे जो बर्ड्स होते हैं वो आवाज़ करते हैं, तो उसका आवाज़ भी हमारे कानों को सुनाई देता है। अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक इन अ क्लोज रूम और थ्रू अ हेडफोन, हमें बहुत जोर से गाना नहीं सुनना है और हेडफोन भी नहीं लगाने, इससे हमारे क्या होते हैं, कान खराब हो जाते हैं, फिर हमें कम सुनाई देता है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना है। डू नॉट पुट एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, और हमें कान में कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, जैसे कि पेंसिल, मैच स्टिक, ये अगर हम डालेंगे तो हमारा ईयर खराब हो सकता है और हमें आवाज़ नहीं आएगी, कम सुनाई देगा। क्लीन देम जेंटली विथ अ सॉफ्ट टॉवेल, और हमें उसे क्लीन कैसे करना है, एक सॉफ्ट टॉवेल लेके हमें क्लीन करना है। उसे क्लीन करने के लिए उसके अंदर ईयरबड्स वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सॉफ्ट टॉवेल लेके उसे क्लीन करना है। यू हियर अ साउंड बेटर वेन यू आर क्लोजर टू इट, अगर हम किसी भी चीज़ के नज़दीक होते हैं तो उसका साउंड जो होता है, आवाज़ होता है, वो हमें अच्छे से सुनाई देता है। नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है? नोज़। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू अवर नोज़, नोज़ से क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और स्मेल भी हमें नोज़ से पता चलती है। क्लीन योर नोज़ जेंटली आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद हमेशा हमें अपना नोज़ भी, नाक भी क्लीन करना है। यूज़ अ क्लीन हैंकरचिप टू वाइप योर नोज़, और हमें हमारे साथ हमेशा एक हैंकरचिप रखना है ताकि हम अपना नोज़ क्लीन कर सकें। स्मेल, देखिए नोज़ से हमें कौन कौन से स्मेल पता चलते हैं, परफ्यूम, ओनियन का स्मेल, फिश का स्मेल, फ्लावर का स्मेल, ये सब हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे फिश है, रोज़ है, या फिर ओनियन कट किया है, परफ्यूम मारा है किसी ने। आपका अगर कोई फ्रेंड परफ्यूम लगा के आता है तो आप तुरंत बोलते हैं तुमने परफ्यूम लगाया है क्या, क्योंकि आपका जो नोज़ है वो स्मेल लेता है, तो इस तरह नोज़ हमें स्मेल लेने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है टंग, वी टेस्ट विथ अवर टंग, ये देखिए ये हमारी टंग है, जो हमारे जीभ होती है उसे क्या बोलते हैं, टंग, और हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी टेस्ट हमें टंग से पता चलती है। इट हेल्प अस टू इन्जॉय द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फूड, टंग हमें मदद करती है कि हम क्या, कौन सा फूड खा रहे हैं, उसकी टेस्ट कैसी है, इसके लिए हमारी जो टंग है वो हमें हेल्प करती है। वी कैन टॉक क्लियरली विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, और हम बोल भी सकते हैं हमारे टंग के कारण। देखिए जब भी हम बोलते हैं तो हमारी टंग नीचे ऊपर होती है, तो टंग हमें बोलने के लिए भी मदद करती है। क्लीन योर टंग डेली विद अ टंग क्लीनर, और हमें हमारी जो टंग है हमेशा क्लीन करनी है टंग क्लीनर के हेल्प से। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में एक लड़का है जो टंग क्लीनर से अपनी टंग क्लीन कर रहा है, ये जो है उसके हाथ में वो क्या है, टंग क्लीनर है। डिफरेंट टेस्ट, तो टेस्ट कौन कौन सी होती है, स्वीट, अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो वो कैसी होती है, स्वीट होती है, मतलब मीठी होती है, ये हमें टंग से पता चलता है। नेक्स्ट बिटर, अगर आप करेला खाएंगे तो आपको कड़वा लगेगा, कड़वा मतलब बिटर टेस्ट। नेक्स्ट है सोर, अगर आप खट्टी चीज़ इमली खाते हैं तो हमें टेस्ट कैसी लगती है, खट्टा लगता है। नेक्स्ट है स्पाइसी, अगर आप मिर्ची खाएंगे तो वो बहुत ही तीखी लगती है, मतलब स्पाइसी होती है। सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट खाएंगे तो वो आपको सॉल्टी लगेगा, तो ये सब टेस्ट हमें कैसे पता चलता है, हमारे टंग के हेल्प से, तो इस तरह टंग हमें टेस्ट करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट है स्किन, वी फील द सेंस ऑफ टच विथ अवर स्किन विच
कवर अवर होल बॉडी। तो देखिए हमारे पूरे बॉडी के ऊपर जो ये होती है उसे स्किन बोलते हैं। ये देखिए ये मेरा हैंड है, तो ये जो ये देखिए ये क्या है, स्किन है। ये सब हमारी क्या होती है, इसे स्किन बोलते हैं, जो हमारे फुल बॉडी को कवर करती है। बीट, हॉट, कोल्ड, ट्रिकी, रब, स्मूथ और स्टिकी। तो ये सब जो है वो हमें हमारे स्किन के हेल्प से पता चलता है। वी फील इट ऑल विथ अवर स्किन, हमारे स्किन से ये फील करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हॉट, अगर हम गैस के ऊपर रखे हुए कुकर को हाथ लगाते हैं तो हमें गर्म लगता है, मतलब क्या होता है, हॉट फील होता है हमारे स्किन को। अगर हम बर्फ को हाथ लगाएंगे तो वो कोल्ड होता है, हमारे स्किन से हम टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं तो हमें वो बहुत ठंडा लगता है। प्रिकली, प्रिकली मतलब काटेदार, अगर हम कैक्टस को हाथ लगाते हैं तो हमें कांटे लगते, उसका मतलब क्या, प्रिकली लगता है। नेक्स्ट है रफ, अगर हम पत्थर को हाथ लगाएंगे तो वो रफ लगता है, अगर हम पिलो को हाथ लगाते हैं तो उसका टच कैसे होता है, स्मूथ टच, सॉफ्ट सॉफ्ट हमें लगता है। स्टिकी, अगर हम ग्लू को हाथ लगाते हैं तो हमारा जो हाथ है उस पे ग्लू के ऊपर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये सब टच हमें कैसे पता चलते हैं, हमारे स्किन के हेल्प से। तो इस तरह ये जो सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये हमें हेल्प करते हैं सेंस करने के लिए। टॉक एंड टेल, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द साउंड अराउंड यू। देखो हमें अपनी आंखें बंद करनी है और हमारे आसपास कौन सी आवाज़ आ रही है वो सुनना है। द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट, तो लाउड मतलब जोर से आ रहा है या धीरे से आ रहा है, ये आपको नोट करना है। द क्लोजेस्ट टू द फॉरेस्ट, और पास से आवाज़ आ रही है या दूर से आ रही है, ये हमें पता चलता है। नाउ टेल अस व्हाट साउंड यू हियर, तो आपको ये एक्टिविटी करना है, आपके फ्रेंड को बताना है कि कौन सा साउंड आपने सुना और वो दूर से आ रहा है या पास से आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज अ रोज फील, हाउ डज इट स्मेल, रोज को अगर हम हाथ लगाते हैं तो कैसा फील होता है और उसकी स्मेल कैसी होती है। तो रोज को हाथ लगाएंगे तो हमें क्या, कांटेदार लगता है, रफ फील होता है, सॉरी प्रिकी फील होता है, और उसकी स्मेल क्या होती है, परफ्यूम की तरह अच्छी स्मेल आती है। हाउ डज एन ओनियन स्मेल, डज एन ओनियन मेक योर आईज वाटर, अगर ओनियन कोई कट करता है तो हमारे आंखों से पानी आता है क्या आपके, वो आपको बताना है। और उसकी स्मेल अच्छी होती है या बैड होती है। तो इस तरह हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।